हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग मेंटोर। में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेस्ट डिशेस फॉर ब्लॉगिंग। तो अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, अगर आपको ब्लॉगिंग नहीं आती और आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप किस नीच पे काम करें, तो आज मैं आपके लिए आया हूँ 500+ डिशेस। तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर भी कर दें। तो मेरे पास एक PDF फाइल पड़ी हुई है, तो इसमें जितने भी डिशेज हैं तो उनका मैंने एक डाटा बनाया हुआ है, तो अभी मैं आपको सारा उसका एनालाइज करवा देता हूँ। तो इसमें 400+ प्रॉफिटेबल नीचेज आइडियाज़ हैं, तो जिन पर अगर आप काम करते हैं, जिन पर आप अपने ब्लॉग बनाते हैं, तो आप उससे अच्छा रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं और अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे नीच है वो है चिल्ड्रेन एंड फैमिली फन नीच। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें 15 कैटेगरीज हैं। पहली है चिल्ड्रन वॉचेस विद GPS। तो अब इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ हम कर लेते हैं लिंक, चलते हैं क्रोम में और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। तो अगर किसी ने ये हमसे लेनी है निशेस की जो पूरी लिस्ट PDF की, हम आपको 500 में हम आपको ये दे देंगे। तो अब ये देखते हैं, ये है वॉचेस, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, एक ब्लॉग क्रिएट करना है जो कि सिर्फ आपने क्या करना है, वॉचेस के रिलेटेड हो। ओके, हो गया। तो हम सर्च कर लेते हैं कि वॉचेस रिलेटेड कोई और भी इस तरह की वेबसाइट ऑलरेडी हैं कि नहीं है। तो इनमें से कई एक को पहले हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। होगा, ये ओपन हो चुकी है हमारे पास। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। अब सर्च में क्या करना है, ये वाला चिल्ड्रन वॉच विद GPS। यहाँ पे सर्च करते हैं चिल्ड्रन वॉच विद GPS। वो नीचे हमें स्क्रॉल करना है। तो एक ये हमें वेबसाइट अच्छी लग रही है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद एक में ये भी अच्छी लग रहा है, इन दोनों को हम ओपन कर लेते हैं और एनालाइज करते हैं। तो दरअसल ये ब्लॉगिंग के साथ अपडेट मार्केटिंग और आप गूगल एडसेंस दोनों पर ही आप इन पर काम कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका जो रेवेन्यू वो थोड़ा सा इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वॉच है जो कि GPS के साथ आती है, इसकी जो प्राइस आप देख सकते हैं 300 के करीब है, मेड इन चाइना है। ओके, हो गया। और जो दूसरा है अभी हमने खोला हुआ है, तो ये यूँ क्या किया हुआ है, ये शॉपिंग स्टोर नहीं है। जो पिछला मैंने अभी आपको दिखाया था वो शॉपिंग स्टोर था, लेकिन ये शॉपिंग स्टोर नहीं है। ये एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू इन्होंने ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है, ये देखें। और देखें इन्होंने अपना जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स ऐड किए हुए थे, आप देख सकते हैं। तो आप भी इसी तरह एक काम कर सकते हैं, ब्लॉग भी लिख सकते हैं और साथ अपना एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक के साथ ऐड कर सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा इन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ है। तो एक तो होगी ये नीश। तो काफ़ी सारी नीशेज हैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं आपको एक बेस्ट डिशेज बताऊँगा सिंगल, ठीक है ना। जिन पर अगर आप काम करते हैं तो आप काफ़ी जल्दी ये रैंक कर देंगे, आपको जल्दी ये अप्रूवल मिल जाएगा अगर आप उस पर अच्छी तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ और नीशेज पे देख लेते हैं। तो एक ये मुझे ज़्यादा ये अच्छी लगी है, व्हीकल एक्सेसरीज। यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी, इसको हम सर्च करते हैं। ये हमारे पास आ चुके हैं काफ़ी सारी। तो थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, कोई हमें अच्छा ब्लॉग मिल जाए। तो ये हमें नज़र आ रहा है व्हीकल एक्सेसरीज, और एक नीचे नज़र आ रहा है, इन दोनों पर हम कर लेते हैं ओपन कर लेते हैं। कुछ जल्दी से ओपन हो चुका है। तो आई थिंक ये स्टोर है, ये इन्होंने स्टोर क्रिएट किया, ये हमारे काम करनी है। हाँ, ये मुझे काफ़ी अच्छी नई वेबसाइट बनाई हुई है। तो जब आप किसी भी चीज़ के रिलेटेड रिसर्च करते हैं, सबसे पहले आप उनके कीवर्ड भी फाइंड करने होते हैं। कीवर्ड किस तरह आपने फाइंड करने हैं, तो मैं आपको फिर पता, तो आपने गूगल पे आपके टाइप करना है HRF फ्री कीवर्ड टूल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके। तो अब ये हमारे पास आ चुका है इंटरफेस इसका। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कीवर्ड सर्च करनी है। तो यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, किसी और नीशेस के रिलेटेड हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और अच्छी हम नीश ढूंढते हैं अभी। तो ये मुझे एक अच्छी लग रही है, लैपटॉप स्किन्स, हो गया। इसको हम सर्च कर लेते हैं, ये कीवर्ड है, नीश भी है, कीवर्ड भी है, सिंगल कीवर्ड। अब इसको हम कर लेते हैं लैपटॉप, चेक कर लें कुछ स्पेलिंग का। ओके, हो गया। और यहाँ पे आपने क्या करना है, टारगेट कंट्री, जिस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो हम अभी यूनाइटेड स्टेट पर जाके सर्च कर लेते हैं कि कितना वॉल्यूम है और क्या वॉल्यूम कितना है और कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। तो आप इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देखें वो कितनी है, 27। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें ना KD के साथ, आपको एक आई का बटन शो हो रहा है। तो अभी कोई ये बता रहा है कीवर्ड डिफिकल्टी गिव्स एन एस्टीमेट ऑफ हाउ हार्ड इट्स टू रैंक इन द टॉप 10 ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स फॉर अ कीवर्ड ऑन 100 पॉइंट। तो आपको इसका सिंपल सा बता देता हूँ, जितनी कम कीवर्ड डिफिकल्टी हुई उतना जल्दी आपकी जो वेबसाइट है या आपका आर्टिकल है वो रैंक हो जाएगा। तो अब जो हमारा मेन था कीवर्ड, ठीक है जी, आपने ये करना है एक वेबसाइट बना ली है वेबसाइट स्किन्स पे। ओके, हो गया। अब स्किन्स क्या होती हैं,
लैपटॉप पे कवर्स वगैरह जो होते हैं इन पे बना लेनी है वेबसाइट। पहले आपने रिसर्च करनी है, ऐसे नहीं आपने बना लेनी। तो आपको मैं आपको भी मैं रिसर्च करके बता ही रहा हूँ, लेकिन आपने फिर भी अपने मेहनत करके एक बार फिर रिसर्च कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका एवरी डे का जो वॉल्यूम है इसका एक दिन का वो है 6.9K, काफ़ी अच्छा है, मतलब 7K तक हो जाएगा। और बाकी इसके जो रिलेटेड कीवर्ड है वो भी मशहूर हैं कि आप कीवर्ड डिफिकल्टी देखें बहुत ज़्यादा कम है। तो आप इन पे अगर आर्टिकल या ब्लॉग लिखते हैं तो बहुत जल्दी गूगल में रैंक हो जाएंगे। तो हम चलते हैं अगली कोई अच्छी लिस्ट ढूंढते हैं। तो लिस्ट अगर आपने लेनी है ना तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और अच्छी लिस्ट ढूंढ लेते हैं। तो हमें एक मिली है डॉग क्लॉथ, ठीक है जी। अब ये एक कीवर्ड भी है और एक निश भी है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, डॉग फाइंड कीवर्ड पे हम क्लिक करेंगे। हाँ ये देखें, अब हमारे पास इसका जितना भी डाटा था वो आ चुका है हमारे पास। तो जो ये कीवर्ड है ना, मेन निश जो हमारी ये कीवर्ड क्लॉथ, तो इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो है 48। 48 का मतलब है आपकी वेबसाइट एक वेल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, अच्छा ह्यूमन राइटिंग कंटेंट होना, ये नहीं कि आपने चैट जीपीटी उठा के लिख देना, नहीं आपने इसको मॉडिफिकेशन भी करनी है। ओके हो गया, इसमें अच्छी इमेजेस यूज़ करनी है, आपकी वेबसाइट का अच्छा DR हो, अच्छे बैकलिंक्स बने हो, फिर जाके आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड पे रैंक करेगी। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, तो इस पर आप काम ना करें। तो आपने सबसे पहले चेक कर लेना है, ठीक है ना। जब तक आप इसे चेक नहीं करेंगे तब तक आप कोई फ़ायदा नहीं होगा ब्लॉगिंग के अंदर। नीचे चलते हैं, कुछ और हम निशेस चेक कर लेते हैं। एक मुझे अच्छा लगा फ्रूट्स पिलर कटर, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। फ्रूट्स पिलर हम चेक कर लें, क्योंकि अगर स्पेलिंग रॉन्ग हो गई तो फिर थोड़ा आ जाएगा हमारे लिए। तो ये कीवर्ड हमने लिख लिया है, ओके हो गया। इसके हम कर लेते हैं फाइंड कीवर्ड। तो इस पर आप देख सकते हैं इस पर कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा। तो वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहा, इसके अंदर से जो स्पिलर है इसको हम निकाल लेते हैं फिर। हाँ तो देखें, जो ये कीवर्ड है ना इसका तो एक वॉल्यूम बहुत कम है, 10 है, और इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी वो है ही नहीं, मतलब इस पर बहुत कम वेबसाइट बनी हुई है। तो अगर आप मतलब नए नए ब्लॉगर हैं या बिगनर हैं आप ब्लॉगिंग के अंदर, तो आप अगर इस पर मेहनत करते हैं 3 से 4 माह, अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं तो आप फर्स्ट पोजिशन पर आ जाएंगे गूगल रैंक में। ओके हो गया। तो एक दो और हम आपको दिखा देते हैं निशेज। तो यहाँ पे ना जो 400+ निशेज हैं, तो अगर आपने ये PDF फाइल लेनी है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे। और यहाँ पे हम एक दो और आपको दिखा देते हैं। एक ये हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, इलेक्ट्रिक पेन शॉकर, इसको हम चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पेन शॉकर, आपने में जब आप ये कीवर्ड चेक कर रहे होंगे तो आपने यहाँ पे कंट्रीज भी चेंज करके देख लेनी है। तो यार देखें, यहाँ पे तो UK में तो कोई भी नहीं है, USA में तो इंडिया सर्च कर लेते हैं। स्पेलिंग तो नहीं रॉन्ग हो गए मेरे से, इलेक्ट्रिक पेन शॉकर, ओके स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दिया है, वही मुझे लग रहा था। तो देखना थोड़ा स्पेलिंग हम इसे फाइंड कीवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे आपने जब भी आप लिखना है तो आपने ना स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना है। ये नहीं आ रहा तो इसके हम यूनाइटेड स्टेट्स सर्च कर लेते हैं। हाँ तो आप देखें इस पर भी जिस कीवर्ड डिफिकल्टी वो है नहीं, 0 है, और इसका वॉल्यूम 10 है। तो इस पे काम अगर आप करते हैं तो आप रैंक हो सकते हैं गूगल। हो गया। एक आखिरी निश मैं आपको बता देता हूँ, और एंड पे एक मैं आपको एक और बताऊँगा जो मेरी फेवरेट निश है, जिस पर अगर आप काम करते हैं तो आपको जल्दी ही गूगल एडसेंस का प्रूफ मिल जाएगा, और अच्छी आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी। स्किन केयर मास्क, इसको हम सर्च कर लेते हैं, स्किन केयर मास्क। तो ये हमारे पास आ चुका है स्किन केयर मास्क। कीवर्ड डिफिकल्टी वो बहुत ज़्यादा कम है, 23, मतलब अगर जिस कीवर्ड की डिफिकल्टी 30 से कम हो, और अब अगर आप अच्छा कंटेंट लिखें उस पर तो वो आप जल्दी रैंक कर देंगे। ओके हो गया। तो इसके काफ़ी सारे नीचे आपको रिलेटेड कीवर्ड मिल जाते हैं। तो जो आखिरी नीच मैंने आपको बताया था जो मेरी फेवरेट, वो है जॉब, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब्स आपको दिखा देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं सर। तो आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आपने करना है उस कंट्री को टारगेट करना है। तो अभी मैं आपको यूनाइटेड स्टेट का दिखाता हूँ, आई थिंक इसका टफ होगा। तो देखिए इसका अभी बहुत ज़्यादा टफ। ओके हो गया। तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आपने उसी कंट्री को टारगेट कर लेना है। तो इससे ये होगा कि वो ये जैसे इंडिया का आ चुका है, ठीक है ना। अभी इस पर क्यों काम करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने एक वेबसाइट पर काम किया था काफ़ी अर्सा पहले, ये वाली वेबसाइट है जॉब्स मेंटोर PK, और ये मैंने टारगेट किया था पाकिस्तान कंट्री को। ओके हो गया। और ये जो वेबसाइट है सिर्फ
23 घंटे के अंदर अंदर इसका मुझे अप्रूवल मिल गया था गूगल एडसन का। तो ये आप देख सकते हैं अभी लोड हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं आपको कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा देता हूँ, देखें कीवर्ड डिफिकल्टी इसके बहुत ज़्यादा काम है। अब मैंने यहाँ क्या किया था, सबसे पहले मैंने एक कीवर्ड पे काम किया था जब तक मुझे गूगल एडसन का अप्रूवल नहीं मिला। अब वो कौन सा था, वो था गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब, ओके हो गया। इन पर मैंने लिखे थे आर्टिकल्स, ओके हो गया। जब मैंने आर्टिकल मेरे 40+ हो गए उसके लिए, मैं उसके बाद मैंने गूगल एडसन के लिए अप्लाई किया और मेरा 23 घंटे के अंदर अंदर मुझे इसका अप्रूवल मिल गया। तो ये वेबसाइट मैंने सेल कर ली, अगर कोई हमसे लेना चाहता है ये वेबसाइट वो हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हम ये आपको डिस्काउंट प्राइस में इसको हम आपको सेल कर देंगे। तो अब मैंने यहाँ पे आर्टिकल किस तरह लिखे हुए वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये है पंजाब पुलिस जॉब, इसको हम अभी ओपन कर लेते हैं। ओपन हो चुके, सबसे पहले हमने थंबनेल लगाया है, ओके हो गया। उसके बाद हमने थोड़ा अपॉर्चुनिटीज लिखी हैं, किस चीज़ के रिलेटेड जॉब है, टोटल वैकेंसीज कितने, सैलरी कितनी, जेंडर, लास्ट डेट, लोकेशन, ठीक है ना। ये आपने टेबल क्रिएट कर लेना, ये वाले पर बन जाता आराम से। और क्राइटेरिया और नीचे लिखा हुआ कुछ डिटेल्स, जॉब्स एरिया मतलब किस जगह पर ये जॉब अवेलेबल है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, और नीचे एक हमने ये ऐड किया हुआ है फॉर्म और कंक्लूजन और FAQs लिखे हुए हैं, साथ एक इंटरनल लिंक ऐड किया हुआ है। इस वेबसाइट काफ़ी अच्छे मेरी चली है, तो अब मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई हमसे लेना चाहते हैं तो वो हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जॉब्स की वेबसाइट पर काम करते हैं तो आपको तो एक तो अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाएगा, और आप जो कंटेंट है वो सारा आप AI भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जॉब्स हैं ये लेटेस्ट आते रहती हैं और ये इन पर आराम से काम कर सकते हैं। तो लिस्ट लेने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस मंथ के एंड पर हम एक वर्ल्ड प्रेस की जो वेबसाइट है ब्लॉग है उसको हम गिव अवे करेंगे, और आपने भी हमारे इस गिव अवे में शामिल होना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना भूलें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।